नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं? आपको हर सवाल के उत्तर देने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे, तो आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। कौन सा 100% COVID-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और वहीं बात करें उड़ीसा की, तो सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो वो कौन सी नदी है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो है ऑप्शन सी, नर्मदा। ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा जो है वो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये कहलाती है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो स्थित है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो है ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1961 में स्टार्ट हुआ था, और फाइनली इस पावर प्लांट को स्टार्ट किया गया था 1969 में। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो है ऑप्शन सी, असम का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो स्थित है ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जो कि है सदर्न टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसे बनाया गया था 1970 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो किया था ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये हुआ था ऑप्शन बी, लंदन में। ऑप्शन बी लंदन। और ये चला था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये कहा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, तो वो कौन थे? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो थे ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो वो है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर है, और ये 7 सिस्टर स्टेट में ये लार्जेस्ट स्टेट है। इसके जो सीएम है उनका नाम है पेमा खंडू, और गवर्नर है बीडी मिश्रा।
कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्र जनगणना होती है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो होती है ऑप्शन ए 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो है ऑप्शन सी असम में। ऑप्शन सी असम, और असम के जो सीएम है उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, वहीं गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो है ऑप्शन ए ओसाका। ऑप्शन ए ओसाका। हर्ष चरित के लेखक है तो लेखक कौन है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो है ऑप्शन बी बाणभट्ट। ऑप्शन बी बाणभट्ट। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 जुलाई। ऑप्शन सी 4 जुलाई। और जो ऑप्शन बी है 3 जनवरी, इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच निकटतम दूरी होती है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो लिए गए हैं ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राष्ट्र खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो मनाया जाता है ऑप्शन बी 29 अगस्त को। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन है बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद जी का। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो है ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो था ऑप्शन बी ENIAC। ऑप्शन बी ENIAC। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो हुआ था ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951 को। कैंडी क्रश सागा, टेंपल रन और फ्रूट निंजा किसके प्रकार है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो है ऑप्शन सी गेम के प्रकार है, वो सब एंड्रॉइड गेम्स है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो स्थित है ऑप्शन बी हैदराबाद में। ऑप्शन बी हैदराबाद। किस भारतीय राज्य ने भारत के ओमिक्रॉन कोविड संस्करण के पहले 2 मामलों की सूचना दी है? 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो वो है ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है उनका नाम है बसवराज बोम्मई, वहीं जो गवर्नर है उनका नाम है थावरचंद गहलोत जी। और जो कर्नाटक में कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो है 31, यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 31। वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।